अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हारिस किचन। आज मैं एक पुडिंग की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो एकदम झटपट बनती है और टेस्टी भी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने 3 अंडे लिए और इसके लिए 1 कप भर के दूध यानी 1/2 लीटर है, 250 ml, और ये 5 से 6 टेबल स्पून मैंने शक्कर लिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं कम ज़्यादा, और थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ते, थोड़ा सा ज़ाफ़रान लिया है, केसर और थोड़ा सा इलायची पाउडर। आप इलायची पाउडर की जगह वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, इसको खुशबू अच्छी आती है इलायची से और अंडे की स्मेल भी नहीं आएगी। और कलर के लिए और खुशबू के लिए थोड़ा सा केसर डालेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, एक बॉल लिया है मैंने, इसमें अंडे तोड़ के डालेंगे, तीनों अंडे डाल देंगे। तीनों अंडे मैंने डाल दिए, इसको अच्छे से फेट कर लेंगे। इसमें शक्कर भी डाल देंगे ताकि शक्कर अच्छे से घुल जाए। और दूध को गर्म नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर पर दूध रहना चाहिए, नॉर्मल दूध लेंगे। अब इसमें मैं इलायची पाउडर भी डाल दूंगी, थोड़ा सा केसर अभी डालेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर से डालेंगे। इसको अच्छे से मैं मिक्स करके लेती हूँ। देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके लिया है, तो अब इसमें हम दूध भी डाल देंगे, थोड़े से कटे हुए बादाम डाल देंगे, थोड़े से हम ऊपर से डालेंगे। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करके लेंगे, शक्कर अभी घुली नहीं है तो इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि शक्कर अच्छे से घुल जाए। अच्छे से मिक्स करके पहले लेंगे 2-3 मिनट, इसके 10 मिनट तक रखेंगे, तब तक हम इसका स्टीमर तैयार करेंगे। इसको स्टीम करना है। ये देखिए, एक मैंने बर्तन लिया है केक बनाने वाला, इसको मैंने थोड़ा सा घी लगा के लिया है ताकि ये चिपके नहीं। अब इसमें हम लोग ये डाल देंगे, अब थोड़ा सा केसर ऊपर से डाल देंगे। और ये कटे हुए जो बादाम हमने बचा के रखे थे वो भी डाल देंगे। ये देखिए, एक बर्तन में मैंने 2 से 3 गिलास पानी डाला है, उसके अंदर एक स्टैंड रखा है, पानी गर्म हो चुका है, गर्म होने के बाद ही डालेंगे इसको। इसको अब इसके अंदर डाल देंगे, इसके ऊपर एक ढक्कन रखेंगे ताकि पानी नहीं जाए अंदर, और ऊपर से एक ढक्कन इस तरह से लगा देंगे। इसको आधा घंटा लगेगा, बीच में हम लोग 10-15 मिनट के बाद एक बार चेक करेंगे ये बना या नहीं, या पानी कम हुआ होगा तो पानी डाल सकते हैं। ये देखिए, एक बर्तन में मैंने 2 से 3 गिलास पानी डाला है, उसके अंदर एक स्टैंड रखा है, पानी गर्म हो चुका है, गर्म होने के बाद ही डालेंगे इसको। इसको अब इसके अंदर डाल देंगे, इसके ऊपर एक ढक्कन रखेंगे ताकि पानी नहीं जाए अंदर, और ऊपर से एक ढक्कन इस तरह से लगा देंगे। इसको आधा घंटा लगेगा, बीच में हम लोग 10-15 मिनट के बाद एक बार चेक करेंगे ये बना या नहीं, या पानी कम हुआ होगा तो पानी डाल सकते हैं। देखिए, आधा घंटा हो गया है और ये अच्छे से पक चुका है। देखिए, अब इसको हम लोग चेक करके देखेंगे इस तरह से। देखिए, ये छुरी एकदम क्लीन निकली है, मतलब ये अच्छे से हो गया है। तो अब इसको हम लोग निकाल कर ठंडा करने रखेंगे, ठंडा अच्छे से एकदम ठंडा होने के बाद ही इसको कट करना है, निकालना है, नहीं तो निकलेगा नहीं। तो अब इसको हम लोग निकाल कर ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख कर अच्छे से इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से ठंडा हो गया, मैंने इसको फ्रिज में रखा था, अच्छे से सेट हो चुका है। ये किनारे देखिए, इसने छोड़ दिया है, ये इस तरह से आराम से निकल जाता है। अभी हम इसको कट करेंगे, मैंने इसको कट करके लिया, अब इसको हम लोग निकालेंगे, ये आराम से निकल जाता है। ये देखिए, ये देखिए, बड़े आराम से ये निकल चुका है। तो अब इसको निकाल कर हम लोग सर्व करेंगे।
ये देखिए हमारी मज़ेदार और टेस्टी एग पुडिंग बनके तैयार है, एकदम आसान और झटपट बनने वाली है। तो आप लोग रेसिपी ट्राई करो और मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।